दोस्तों, जब हम शेक्सपियर, महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नाम सुनते हैं तो एक ही बात दिमाग में आती है कि वो लोग कितने जीनियस थे, वो लोग कितने महान थे, वो लोग कितने बड़े बड़े काम करके इस दुनिया से चले गए। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन महान लोगों में वो छः कौन कौन से गुण होते हैं या किस तरह के वो रहस्य होते हैं जिनसे ये लोग महानता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और ये सारे छह लेसन्स जिस बुक से हम सीखेंगे उसका नाम है द हिडन हैबिट ऑफ जीनियस, जिसे लिखा है क्रेग राइट ने। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है और बहुत ही बढ़िया ये लेसन है जिसे समझकर जानकर हम उन महान लोगों की छह आदतों का पता लगाएंगे और उसे अपने जीवन के अंदर भी उतारने का काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस रहस्य के सफर पर। पहली आदत, दोस्तों, जब हम महानता के शिखर पर होते हैं तब हमारे अंदर बच्चे जैसा मन हो जाता है। हम इस दुनिया को, इस सृष्टि को एक बच्चे की नज़र से देखते हैं। बच्चे अक्सर भेदभाव नहीं करते, बच्चे अक्सर उसी बात को कहते हैं जो वो देखते और समझते हैं, उनके मन में कोई पाप नहीं होता। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो महान लोग भी बच्चे की तरह से ही सच्चे हो जाते हैं और उनको दुनिया को देखने का नज़रिया एक बच्चे की तरह हो जाता है, एक बच्चे की तरह ही उनका मन निष्पाप हो जाता है। और ये महानता की एक पहचान है, महानता की एक सीढ़ी है। जब हम चीज़ों को बच्चे की दृष्टि से, बच्चे की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होता है जब हम एक प्रौढ़ या एडल्ट की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, यही नज़रिया उन्हें महान बनाने में मदद करता है जब वो निष्पाप दृष्टि से चीज़ों को आंकना शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरी आदत, वो अपने अंदर एक ताकतवर जिज्ञासा रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो हर चीज़ को बड़ी जिज्ञासु दृष्टि से देखते हैं, वो हर चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं। आपने लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये इटली के एक महान शख्सियत थे, ये एक पेंटर थे, ये एक दार्शनिक थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, ये एक इंजीनियर थे और ना जाने क्या क्या, मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी के ये मालिक थे। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन भर में अलग अलग काम किए और सारे के सारे काम ऐसे कि उन्हें एक्सीलेंस तक पहुंचाया। वो किस तरह से ऐसा कर पाते थे? दोस्तों, एक ही तरीका था कि वो इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे कि हर चीज को जानने के लिए उसके अंदर तक घुस जाते थे। जब वो एक सिटी के मैप का निर्माण करते थे तो उसकी लंबाई चौड़ाई से लेकर उसकी हर बारीकियां वो जांचते थे और ऐसी चीजें निकाल कर लाते थे जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं पाते थे। दोस्तों, जब वो पेंटिंग बनाते थे तो फूलों और पत्तियों में इतने अंदर तक घुस जाते थे जैसे वो इसका हिस्सा हो। इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण ही वो इतने महान पेंटर, इतने महान दार्शनिक, इतने महान मैथमेटिशियन और इतने महान इंजीनियर बन पाए। दोस्तों, महानता का राज यही है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति इतनी हद तक हो जाती है कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं तब व्यक्ति महान कहलाने के पथ पर होता है और तभी व्यक्ति महान कहलाने का अधिकारी होता है। दोस्तों, तीसरी आदत, वे अपने काम को अत्यंत एकाग्रता से करते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में देखा है कि जो महान शख्सियत होती हैं, महान लोग होते हैं, बड़े कामों को अंजाम देने में निपुण होते हैं, वो हर काम को फुल अटेंशन के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं, क्योंकि बिना फोकस के किए किसी काम में एक्सीलेंस नहीं आ सकती। दोस्तों, आइंस्टाइन, विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, E=mc² दिया, वो इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते थे अपने काम में। जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो अपने बेटे को देखने के लिए गए तो उनके एक हाथ में बेटा था और एक हाथ में डायरी थी, पेन के साथ वो अपना काम कर रहे थे। उनका ध्यान बेटे में कम था और अपने काम में ज़्यादा था, उनको और कुछ नहीं सूझता था अपने काम के अलावा। जब वो इतने मग्न हो जाते थे तब वो नए नए सूत्रों का आविष्कार करते थे। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है जिस पे पूरा का पूरा फिजिक्स टिका हुआ है। तो इतने बड़े महान वैज्ञानिक बनने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो महान एकाग्रता के मालिक थे। इतनी बड़ी एकाग्रता के कारण ही उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी का आविष्कार किया। दोस्तों, चौथी आदत है, वो नियमों को तोड़ने का साहस करते हैं। जितने भी महान लोग होते हैं वो अपना रास्ता अलग बनाते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करते हैं, परंपराओं पे चोट करते हैं। दोस्तों, आपने स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा।
उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो वेद के अंदर कुरीतियां शामिल हो गई थी, जो हिंदू धर्म में कुरीतियां शामिल हो गई थी, उनको दूर करने का काम आर्य समाज की स्थापना के बाद किया। वेदों का जो विकृत रूप हमारे समाज में प्रचलित था, उसे ठीक करने के लिए उन्होंने नया दर्शन दिया। उन्होंने भगवान की कल्पना ही बदल दी। उन्होंने त्रैतवाद का सिद्धांत दिया। दोस्तों, वो एक बड़े समाज सुधारक बने। वो इस कारण से कि उन्होंने पुराने प्रचलित नियमों को तोड़ने का काम किया था। उन्होंने पुरानी जंजीरों को देश से आज़ाद कराने का काम किया था और उन्होंने समाज के अंदर एक नव चेतना पैदा करने का काम किया था। दोस्तों, पांचवी आदत है, महान लोग कमजोरी को ताकत का स्रोत बनाते हैं। इस बात का अर्थ ये है दोस्तों, कमजोरी हर व्यक्ति के अंदर होती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे लैकूनाज होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो उस व्यक्ति को नीचे खींचने का, ड्रैग करने का काम करते हैं। महान लोग उन कमजोरियों को समझ जाते हैं, उन कमजोरियों को दूर करके उन्हें ही सीढ़ी बना लेते हैं ऊपर जाने के लिए। एक बार जापान के अंदर एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया, जैन गुरु के पास गया, उनसे सीखने के लिए, जैन विद्या सीखने के लिए। गुरु ने उसे परखा, उसका टेस्ट लिया। उन्होंने पाया कि इसके हाथ में चोट है, इसके दोनों हाथों में से एक हाथ सही ढंग से काम नहीं करता। लेकिन गुरु ने उस कमजोरी को समझकर उस शिष्य को ऐसी चीज़ें सिखाई, एक ऐसा तरीका बताया जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के अंदर जैन मास्टर बना और सबसे बड़ा खिलाड़ी बना उस विद्या का। इसका कारण क्या था दोस्तों? उस व्यक्ति ने एक हाथ से ही अपने अंदर इतनी मजबूती पैदा कर ली। गुरु की सिखाई हुई तकनीक से उसने अपने एक हाथ की और एक क्रिया को इतना मजबूत कर लिया कि बाकी सारे जितने भी प्रतिद्वंदी थे वो सारे के सारे उसकी इस एक आदत की वजह से पिछड़ गए। दोस्तों, यदि हम अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना सीख जाएं, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीख जाएं, तो हम महानता की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। ये महानता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, छठी आदत है, सभी महान लोग आराम के लिए समय निकालते हैं। जितने भी बड़े महान विचार हैं वो हमें तब आते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर उथल पुथल होती है, हम काम में संलग्न होते हैं, हम विचारों की उहापोह में होते हैं, तब नए विचारों का जन्म नहीं होता। नए विचारों का जन्म केवल तभी होता है जब हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर रेस्ट की अवस्था में होता है, आराम की स्थिति में होता है। सारे के सारे महान लोग इस बात का अर्थ जानते हैं। वो अपने काम के साथ साथ आराम का भी अर्थ समझते हैं, उसका भी महत्व समझते हैं। इसलिए वो लोग लेयर वॉक लेते हैं, घूमते हैं, थिंकिंग ट्रैक बनाते हैं और अपनी आराम गाह के अंदर उन विचारों को नेचर से आमंत्रित करते हैं, जिन विचारों को वो फिर फ्लोरिश करते हैं और बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं। यही उनकी महानता के लिए एक पगडंडी बन जाती है। दोस्तों, ये थी वो छह आदतें जो व्यक्ति को महान बनाती हैं, जो सभी महान व्यक्तियों के अंदर अमूमन होती हैं। ये थे वो छह सीक्रेट जिन्हें जानकर हम भी उस दिशा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं जो हमें ग्रेटनेस की तरफ ले जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको द हिडन हैबिट ऑफ जीनियस की ये समरी पसंद आई होगी और इन छह आदतों को आप अपने जीवन में उतारने का काम करोगे। यदि आपको ये किताब अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।